ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मेरा नाम डॉक्टर बरीरा, मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन इंजना बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर में काम कर रही हूँ लाहौर में। प्राइवेटली मैं स्किन फज क्लिनिक में होती हूँ डिफेंस में, और सकीना इंटरनेशनल हॉस्पिटल इन जोहर टाउन। आज हम बात करेंगे स्किन टाइटनिंग के हवाले से, जिसमें के डिफरेंट सवाल पूछे जाते हैं और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। स्किन टाइटनिंग का इशू ये है कि एक तो कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि लोग समझते हैं कि जो बिल्कुल जो लटक गई है जिल्द, वो दोबारा से उसी तरह से टाइट हो जाती है जिस तरह से आपकी यंग एज में होती है। तो ये इस तरह नहीं होता है। डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल ज़रूर होती हैं और डिफरेंट आपके सर्जिकल मेथड्स भी हैं, लेकिन स्किन टाइटनिंग जो है वो एक लिमिट तक ही इम्प्रूव होती है। अदरवाइज जो है, जो लोग शुरू से अपनी स्किन की केयर नहीं करते, उसे लूज होने देते हैं, तो एक हद पे वो इतनी ज़्यादा टाइट नहीं हो पाती है। जो अर्ली स्किन की चेंजेस होती हैं एजिंग की, वो स्टार्ट हो जाती हैं फीमेल्स में 25 साल की उम्र से और मेल्स में 30 इयर्स की एज से। अगर उन्हीं एजेस पे अपनी स्किन की केयर की जाए, प्रॉपर हाइड्रेशन, फूड, अपनी क्लिनजिंग, और इसके हवाले से आपका जो है डिफरेंट जो ट्रीटमेंट अवेलेबल होती हैं, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी है, हाइफो है, वो क्या करते हैं कि वो स्किन की लेयर्स को टाइट रखते हैं ताकि आपकी स्किन लूज हो ही ना। अगर जो लोग इसको फॉलो करते हैं, वो उस स्टेज तक जाते ही नहीं हैं कि जिसमें स्किन लटक जाए, और जो नहीं कर पाते हैं तो उनकी जिल्द जो है लटक जाती है, मेनली 40 इयर्स इन फीमेल एंड अप टू 45 to 50 इयर्स इन मेल। तो उनमें ये होता है कि जिल्द अटक जाती है और चेहरा जो है, जो कि नॉर्मल एक शेप में होता है, उसकी चेंज हो जाती है पूरी डायनामिक्स। तो उसमें इस तरह से होता है कि जो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं वो आपकी जिल्द को कुछ टाइम के लिए तो टाइट रख सकते हैं, जैसे कि 3 से 6 माह के लिए, लेकिन वो ज़्यादा अरसे के लिए आपकी जिल्द को टाइट नहीं रखते हैं। उसके लिए आपको सर्जिकल मेथड्स पे ही जाना पड़ता है, जो कि फेस लिफ्ट है। फेस लिफ्ट इस तरह से है कि आपकी कान के आगे एक स्कार बनता है, जिससे कि आपकी जिल्द और अंदर का जो है टिशू चेहरे का, वो टाइट हो जाता है, और एज तकरीबन 15 साल पहले वाली लगने लग जाती है। उसके साथ डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें कि आँखों की टाइटनिंग भी करनी पड़ती है और लिफ्ट भी चाहिए होती है, और इसके अलावा गर्दन के टिशू को भी टाइट करना पड़ता है। उससे ये होता है कि ओवरऑल ही फेस की अपेरेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। प्लस ये कि अगर आप स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स लेते हैं साथ, तो ओवरऑल जो है ग्लो फेस पे और टाइटनेस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। और जो है, जो लोग चाहते हैं कि वो किसी नॉन सर्जिकल मेथड के थ्रू अपने फेस को टाइट रखें या कि यंग रखें, तो उनके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि बोटॉक्स अवेलेबल होता है, उसके अलावा फिलर्स हैं जो कि आपके लाइंस बन जाती हैं उनके अंदर, और रेडियो फ्रिक्वेंसी की ट्रीटमेंट है, हाइफो है, लेज़र थेरेपी के थ्रू फेस की टाइटनिंग होती है। और स्किन केयर को बढ़ाने के लिए जो डिफरेंट जो हैं स्किन के प्रोडक्ट्स, वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ओवरऑल स्किन की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। तो इस तरह से ये एक आप कह लें कि मेथड्स हैं, डिफरेंट चेन ऑफ मेथड्स हैं, जिसमें कि आपको जो फॉलो करनी पड़ती हैं चीज़ें और मेथड्स लेने पड़ते हैं ताकि आपका ओवरऑल अपेरेंस और जो है वो आपकी फेस की स्किन टाइट भी रहे और साथ साथ आपका जो है वो उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव रहे। तो लोगों के फॉल्स बिलीव होते हैं जो कि वो टीवी पर देखते हैं और जो मॉडल्स वगैरह को देखकर होते हैं स्किन के हवाले से। तो हर इंसान की जिल्द दूसरे से डिफरेंट होती है, उसके सर्कमस्टेंसेस, उसकी वर्कलोड, स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ डिफरेंट हैं, तो उस लिहाज से ही उसके रिजल्ट्स होते हैं। और जो जितना ज़्यादा उसमें तवज्जो से रखता है चीज़ों को, अपनी जो है मेथड्स को फॉलो करता है, अपनी हाइड्रेशन को, एक्सरसाइज को, डाइट को, स्लीप को करता है फॉलो, उसी हिसाब से आपकी जिल्द भी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। तो इस तरह से है कि आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ओला डॉक के थ्रू।
टाइमिंग उसमें मेंशन है दोनों क्लिनिक्स की, वो आप जो अपने टाइम के हिसाब से फिजिबल हो वो ले सकते हैं। और उसके बाद फिर आप मुझसे स्किन टाइटनिंग के हवाले से फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर या फिर आप मिल के मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इजीली बता सकूं कि किस स्किन टाइप में, किस एज में, किस तरह से आप जो है ना अपनी रिक्वायर्ड टाइटनेस अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।